मॉर्निंग क्लास सिद्धिकुल चौधरी महाविद्यालय से मैं आज आपके सामने बीए सेकंड सेमेस्टर में जो हमारा मूक चल रहा है उसमें हम लोगों ने एक टाइप का डेटा तो देख लिया अनग्रुप, ठीक है। अब हम देखेंगे सेमी ग्रुप या अधीनस्थ डेटा, ठीक है। तो आप देखो, वैसे हम आपको एक चीज़ बताना भूल गए थे, ज़रा सा आप समझ लीजिए। जैसे कि हमने अभी जो इस पिछले मेथड में अनग्रुप डेटा से जो मूड निकाला था उसमें अपने थर्ड टाइप की जो मेथड थी उसमें देखा था तीसरे मेथड में कि जो दो डेटा की आवृत्ति बार बार है और दोनों समीपवर्ती नहीं है इसलिए दोनों को मोड बांध दिया, तो वो दो अंक थे इसलिए बाय मॉडल बोल दिया। लेकिन सोचिए अगर तीन अंक ऐसे होते जिनकी आवृत्ति तीन तीन बार होती और तीनों ही पड़ोसी नहीं थे तो इसको हम ट्राई मॉडल कहेंगे। क्या बोलेंगे? ट्राई मॉडल। और उसमें तीनों को हम मोड मान लेंगे। ऐसे ही मल्टी मॉडल भी होता है। मल्टी मॉडल में कई सारे अंकों की आवृत्ति कई बार होती है इसीलिए हम लोग उसे मल्टी मॉडल कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको ऐसा कभी मिले रिजल्ट ऐसी कि जिसमें दो से ज़्यादा हो, तीन हो या बहुत ज़्यादा हो, तो आप लोग ऐसे परेशान मत होना, आप उसको ऐसे मॉडल के फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर दो हो तो बाय मॉडल, तीन हो तो ट्राई मॉडल, और बहुत सारे हो अगर तीन से ज़्यादा हो, ठीक है, तो आप उसको मल्टी मॉडल लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हुआ आपको पिछले डेटा का। अब हम देखते हैं हमारा जो मोड है उसको हम सेमी ग्रुप डेटा से देखते हैं, यानी कि अर्धव्यवस्थित प्रदत्त से, ठीक है। अर्धव्यवस्थित प्रदत्त की अगर हम बात करें तो इसमें जो डेटा है हमारे पास वो आपको दिख ही रहा है, अलग टाइप का डेटा होता है, ठीक है। तो अर्धव्यवस्थित में आधा व्यवस्थित होता है, ठीक है। तो व्यवस्थित तो है लेकिन आधे रूप में है, ज़्यादा रूप में नहीं होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए प्राप्तांक भी दिया है और उनकी आवृत्तियाँ भी दी हैं, किस प्राप्तांक की आवृत्ति कितनी बार दी। इसमें भी दो टाइप से मेथड की कैलकुलेशन होती है, ठीक है। तो देखिए इसमें आपको साफ साफ दिख रहा होगा कि जो सबसे ज़्यादा आवृत्ति है वो क्या है, आठ है। आठ सबसे बड़ी है ना, दो चार छः आठ पाँच में सबसे बड़ी आवृत्ति कौन सी, आठ। तो आठ किसकी है, पंद्रह की। तो यहाँ पे जो आठ आवृत्ति है तो इस यहाँ पे जो मूड है हमारा उसको क्या होगा, मूड हमारा होगा पंद्रह, ठीक है। क्यों होगा मूड पंद्रह, क्योंकि उसकी आवृत्ति सबसे ज़्यादा बार आई है, ठीक है। तो इसीलिए वो हमारा बहुलांक या मूड माना जाएगा, ठीक है। ये होगा। अब इसके बाद अगर हम देखें तो इसमें सेकेंड टाइप ऑफ देखें, इसमें तो क्लियर मैंशन था क्योंकि एक ही अंक बार बार सबसे ज़्यादा बार है, तो ये तो सिंपल टाइप ऑफ डेटा है। सेकेंड टाइप का जो डेटा होगा उसमें बहुत सारे अंकों की आवृत्ति सेम बार होगी, ठीक है। तो अब उसमें आप और परेशान हो जाएंगे, उसमें मूड कैसे निकालेंगे वो हम आपको बताते हैं अभी। ठीक है, अब आप उसमें देख लीजिए, जैसे कि सबसे ज़्यादा सबसे कम तो पाँच ही है, ठीक है। 18 की पाँच बार है, 19 की छः बार आई है, 20 आठ बार आया है, 21 सात बार आया है, 22 नौ बार आया है, 23 आठ बार आया है, 24 नौ बार और 25 छः बार। आप देख लीजिए इसमें कई अंकों की आवृत्तियाँ सेम है। जैसे मान लीजिए अगर सबसे बड़ा देखें तो 22 की नौ बार है, ऐसे ही वहीं देखें एक बार तो 24 की भी नौ बार आवृत्ति है, ठीक है। तो आवृत्ति जो है वो 22 की नौ बार है और 24 की नौ बार है, ठीक है। तो ये होगा। अब इसके बाद एक और देखो, 20 की आठ बार है और 23 की आठ बार है, ठीक है। तो ये सेम आ रही है, और 25 की छः बार है और 19 की छः बार है। देखो ये डिक्ट हो गई ना, बिल्कुल कॉपी पेस्ट हो रही है, ठीक है। इसमें बिल्कुल इक्वल आवृत्तियाँ आई हैं। अब आप इसमें एक आवृत्ति कैसे बता पाओगे कि इसकी फ्रिक्वेंसी ये सबसे ज़्यादा है, नहीं बता पाओगे ना, क्योंकि ज़्यादातर की इक्वल इक्वल आई हैं और बराबर हैं, है। तो अब आप एक आंसर कैसे दे सकते हैं, क्योंकि आंसर बहुत सारे हैं इसलिए, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि जो हम इसमें जो मेथड है वो हम लोग कौन से यूज़ करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें मेथड जो है, इसमें हम कुछ कॉलम बनाएंगे और कुछ रो बनाएंगे, ठीक है। वही रो और कॉलम आपको बनाने हैं, उसके बाद ही हम अपना आंसर देखेंगे, ठीक है। तो देख लीजिए आप टेबल आपके सामने, आपको टेबल ऐसे ही बनानी है। उसमें कितने कॉलम रखने हैं, छः कॉलम रखने हैं। एक्स आपको लिख लेना है, ठीक है। और एक्स लिखने के बाद छः कॉलम लिखने हैं आपको, 1 2 3 4 5 6 करके। फिर सातवां कॉलम बनेगा आपका क्या का, वो बनेगा आपका टैली का, ठीक है। टैली के चिन्ह बनाने के बाद उसके बगल में चिन्हों का योग लगेंगे, ठीक है। तो ये कुछ इतने कॉलम फिक्स रहते हैं, अगर हम जो सेमी ग्रुप डेटा है उसको इस मेथड से सॉल्व कर रहे हैं तो इतने कॉलम बनते ही हैं, ये फिक्स कॉलम है, ठीक है। अब हम इसमें सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले ये देखना है, है ना। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं यहाँ पर कि जो आपके सामने नज़र आ रहा है जो सबसे ज़्यादा आवृत्तियाँ हैं, ठीक है, उसमें से हम सबसे पहले प्लस करते हैं किसको। जैसे मान लीजिए आपके सामने 5 और 6 सबसे ऊपर से प्लस करते हैं, ठीक है। जैसे मान लो सबसे जो आवृत्ति है, ठीक है, जो फ्रिक्वेंसी है
वो 5 और 6 है, तो 5 और 6 को प्लस करिए तो कितना हो रहा है, 11, ठीक है, दो दो को प्लस करना है, फिर 8 और उसके नीचे 8 और 7 है ना, 8 और 7 को प्लस कीजिए तो कितने आ रहे हैं, 15 आ रहे हैं, ठीक है, फिर उसके नीचे आ रहा है 9 और 8, उसको प्लस कीजिए और फिर 9 और 6, ठीक है, क्योंकि 8 फ्रिक्वेंसीज है तो 8ों को प्लस कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको देखो दिख ही रहा है कि इसमें जो डाटा हमने एज इट इज़ वैसे का वैसा उतार लिया है, कुछ अलग से डाटा तो इसमें है नहीं, ठीक है। अब इसमें हमें मेथड करनी है, हमने आपको बोला ना कि दो दो को प्लस करना है, सबसे पहले जो हमारी आवृत्ति है 5 और 6 उसको प्लस करेंगे, फिर 8 और 7 को प्लस करेंगे, उसके आगे प्लस करते चलेंगे। चलिए ठीक है, देखो आपको दिख ही रहा है, मैं आपको समझा दिया था, 5 और 6 को प्लस करेंगे, 5 6 11, ठीक है, 8 और 7 15 हो जाएगा, ठीक है, फिर 9 और 8 17 हो जाएगा, फिर 9 और 6 15 हो जाएगा, ठीक है, हो गया प्लस, इसमें कोई दिक्कत होगी नहीं। अब हम थर्ड कॉलम में चलते हैं, तो थर्ड में हमें क्या करना है, थर्ड में हमें करना है ऊपर से एक फ्रिक्वेंसी को छोड़ करके दो फ्रिक्वेंसी को प्लस करना, ठीक है, यानी कि 5 को हम छोड़ देंगे, ठीक है, हम 6 और 8 को प्लस करेंगे तो 8 और 6 कितना हो रहा है, 14, फिर 7 और 9 को प्लस करेंगे तो 7 और 9 कितना हो रहा है, 16, ठीक है, फिर 8 और 9 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो 8 और 9 कितना हो रहा है, 17, ठीक है। अब इसमें जो नीचे 6 है उसको हम छोड़ देंगे, ठीक है, ठीक है। चलिए देख लीजिए, इसमें हमने आपके सामने जो प्लस मेथड है वो हमने आपको दिखा दी है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए दो दो ऊपर से एक डिजिट को छोड़ के बाकी के दो दो को हमने प्लस कर लिया, ठीक है, तो ये कॉलम हो गया। अब नीचे एक ही बच रहा है इसलिए हमने एक को प्लस नहीं किया, कैसे करते दो नीचे इसलिए, ठीक है। फिर हमारे चौथे कॉलम में हमें क्या करना है, 3 3 डिजिट को प्लस करना है, ठीक है, तो यानी कि 3 में क्या आएगा, 5 6 और 8, ठीक है, तो 5 6 11 और 8 19, ठीक है, उसके बाद 3 को भी प्लस करना है, 7 9 और 8, ठीक है, तो 7 कितना हो रहा है, 7 और 9 कितना है, 16 16 और 8 कितना होगा, 24, ठीक है, 24 हो गया। अब क्योंकि नीचे 9 और 6 दो ही डिजिट बच रहे, 3 तो है नहीं है, इसलिए हम उनको प्लस नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो 3 3 को ही प्लस करना है। चलिए तो देखिए, इसमें हमने आपके सामने जो प्लस मेथड है वो आगे बढ़ा दी है। कॉलम नंबर 4 में हम लोगों ने क्या किया है, ऊपर की 3 3 डिजिट को प्लस किया फ्रिक्वेंसीज को, ठीक है, तो 1924 उसकी फ्रिक्वेंसी निकल आई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ऊपर से जो 2 हैं उनको छोड़ करके नीचे की 3 को प्लस करेंगे, ठीक है, तो नीचे की 3 जो है उनको प्लस करेंगे तो आई थिंक जो है 8 7 और 9, तो कितना हो रहा है इसमें, 24 आ रहा है, ठीक है, ये तो बाद में आएगा। चलिए ठीक है, इसमें हमने ऊपर की एक डिजिट को छोड़ करके 3 को प्लस करना है, ठीक है, 6 और 8 कितना होगा, 14 14 और 7 21, ठीक है, यानी कि ऊपर की एक डिजिट को छोड़ करके नीचे की 3 को प्लस करना है। देख लीजिए कॉलम नंबर 5 में हमने ऊपर की एक डिजिट को छोड़ करके फिर 3 3 डिजिट को प्लस किया है, तो ऊपर भी एक छोड़ रही है, नीचे एक छोड़ रही है, ठीक है, और हमारे जो 3 3 डिजिट है उनको हमने प्लस कर लिया, 21 और 26 हमारे सामने इनका प्राप्तांक आ गया है। अब लास्ट कॉलम बचा है कॉलम नंबर 6, ठीक है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है, केवल जो ऊपर की डिजिट है उनको छोड़ करके नीचे की 3 3 डिजिट को प्लस करना है, ठीक है, तो जो 8 7 और 9 इसको प्लस करेंगे तो 24 आएगा, और 8 9 और 6 को प्लस करेंगे तो 23 आएगा, ठीक है। अब देखो इसमें प्लस तो हो ही गया है, ठीक है, तो अब इसमें हमने जो टैली चिन्ह लगाने हैं वो आप समझिए हम किस प्रकार से लगाएंगे, ठीक है, तो जैसे कि आप देखिए ज़रा सा, इसमें टैली चिन्ह लगाने के लिए हम लोग दूसरी मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, उसमें ये वाली मेथड यूज़ नहीं होती है, उसके लिए हम लोग जो है हमारे वो टैली चिन्ह के लिए हम आपको सेकेंड वीडियो जो हमारा होगा उसमें हम आपको टैली चिन्ह वैसे अभी लगा के दिखा दे रहे हैं, इसकी जो सोल्यूशन है वो हम अगली वीडियो में दिखाएंगे, ठीक है। देख लीजिए इसमें जैसे कि फर्स्ट और जो पह क्या बोलते हैं 18 और 19 को 0 0 है, ठीक है, यहाँ पर लिख दीजिए 0 0 कोई डाउट नहीं हुआ, लेकिन इस टेबल को जो टैली चिन्ह है जो योग है वो कैसे लगाया हमने वो हम आपको इस अगली वीडियो में बताएंगे, ठीक है, थैंक यू।